हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए शकरकंद और अंडे से बने एक बहुत ही टेस्टी नई सी रेसिपी लेकर के आ गई हूँ, जिसे बनाना काफी ज्यादा आसान है। आज से पहले इस तरह की रेसिपी आपने कभी भी ट्राई नहीं की होगी। बिल्कुल नई रेसिपी है और काफी ज्यादा आसान और टेस्टी भी है। तो चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आती है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कर दें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फ्रेंड्स, रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज के शकरकंद ले लिए हैं, शकरकंदी भी इसे कहा जाता है, और 2 कच्चे अंडे लिए हैं। पहले यहाँ पे हम शकरकंदी को छील लेते हैं। तो देखिए, शकरकंदी को मैंने छील करके अच्छे से धो लिया है। अब हम शकरकंदी को ग्रेट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे बारीक वाले ग्रेटर से शकरकंदी को ग्रेट कर लेती हूँ। देखिए, कुछ इस तरह से ये आसानी से ग्रेट हो जाएगा। देखिए, दोनों शकरकंदी को मैंने अच्छी तरीके से ग्रेट कर लिया है। अब इसे एक बोल में शिफ्ट कर लेते हैं। शकरकंदी को बोल में डालने के बाद हम इसमें एक बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देंगे, साथ ही ऐड कर देंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची। तीखा अपने हिसाब से आप कम ज्यादा कर सकते हैं। आधा कप ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। एक छोटा चम्मच ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। आप इसकी जगह पे ग्रेट करके भी दोनों चीजों को ऐड कर सकते हैं। मिक्स कर लेते हैं। मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 अंडे तोड़ करके। स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे और मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो देखिए, अंडे को मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें बाइंडिंग के लिए ऐड करेंगे ब्रेड क्रम्स। तो ब्रेड क्रम्स, यहाँ पे 2 ब्रेड के स्लाइसेस को मैंने मिक्सी में चलाकर बनाया है। आप भी आसानी से बना सकते हैं इसे घर पे। अगर ये ना हो तो इसकी जगह पे मैदे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ब्रेड क्रम्स को एकदम से ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पे 1 कप मैंने लिया है ब्रेड क्रम्स, जिसमें से जरूरत के हिसाब से हम इसमें ऐड करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे, जिससे हमें पता चल पाए कि रिक्वायरमेंट कितनी है इसमें। तो थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और मिक्स करते जाएंगे। तो देखिए, बस इतना ही ऐड करेंगे हम। और यहाँ पे जो बैटर है हमारा, वो बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी का हो गया है। तो इतना बच गया है 1 कप में से, इसे हम हटा देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बैटर हमारा तैयार हो चुका है। तो देखिए, बैटर हमारा रेडी हो चुका है। चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पे एक कढ़ाई में मैंने तेल ले लिया है। तेल को कर लेंगे मीडियम हॉट। तो देखिए, हमारा तेल मीडियम हॉट हो चुका है। इसमें डालेंगे ये नाश्ता फ्राई होने के लिए। तो जैसे हम पकौड़े डालते हैं फ्राई होने के लिए, वैसे ही चम्मच से थोड़ा थोड़ा सा बैटर डाल देंगे फ्राई होने के लिए। तो मैंने 7 से 8 डाल दिए फ्राई होने के लिए। आप हाथों से भी डाल सकते हैं। इन्हें हम फ्राई कर लेंगे 2 से 3 मिनट तक उलट पलट करते हुए, दोनों साइड से अच्छी तरीके से क्रिस्पी होने तक मीडियम फ्लेम पे। तो देखिए, ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। मैंने अच्छे से उलट पलट करते हुए 2 से 3 मिनट तक इन्हें अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो देखिए, कितने बढ़िया फ्राई हो गए हैं। बाकी के बचे हुए भी ऐसे ही हम फ्राई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी अंडे और शकरकंदी का ये नया नाश्ता बनकर रेडी हो चुका है, जो कि खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी है और बनाना काफी ज्यादा आसान है। बहुत ही क्रिस्पी बना है। मैं आपको दिखा देती हूँ कितना ज्यादा ये क्रिस्पी है। तो देखा आपने कितना ज्यादा ये क्रिस्पी है। मैं तोड़ कर भी दिखा देती हूँ अंदर से कैसा दिखता है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अंदर से कितना ज्यादा टेम्पटिंग सॉफ्ट है, मुंह में घुल जाने वाला ये नाश्ता है। बस एक क्रिस्पी क्रिस्पी, बिल्कुल नई रेसिपी है। ट्राई करना तो बनता है, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी ये रेसिपी। एक बार ट्राई करके देखें। शकरकंदी बहुत आ रही है, तो इसे फटाफट से बनाएं आप, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी ये रेसिपी। मैंने इसे सर्व किया हरी चटनी और टमाटो केचप के साथ।
जिसके साथ इसका मजा दो गुना हो जाता है। तो आप भी रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज की रेसिपी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय गाइस, सी यू सून ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस, थैंक यू सो मच।